वेलकम बैक टू माय चैनल महेश में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं हूँ गुवाहाटी चंदमणि में। तो ये आप देख सकते हैं श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड लोन फाइनेंस का फैसिलिटी शुरू किया है श्रीराम फाइनेंस। ऐसे भी आपको तो मालूम ही है श्रीराम फाइनेंस बहुत बड़ा एक NBFC है, फाइनेंस कंपनी है, व्हीकल फाइनेंस करता है, टायर फाइनेंस करता है, इंजन भी फाइनेंस करता है, ठीक है, अभी गोल्ड फाइनेंस भी कर रहा है। तो यहाँ पे हम आज आए हैं, क्या क्या फैसिलिटी है, कैसे आपको ये मिलेगा, कैसे कितना तक मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, अभी यहाँ पे जो कॉम्पिटिटर है जी, सभी गोल्ड लोन कर रहे हैं, ठीक है, मुन्नपुरम कर रहे हैं और बहुत सारे फाइनेंस IFBB भी कर रहे हैं। तो जो ये कस्टमर आम आदमी आपके पास क्यों आएंगे, क्योंकि इतना सारा है? ऐसे हम लोग का कॉम्पिटिटर मेनली है मुठूट है, मुन्नपुरम है, IFL है, बहुत सारा कॉम्पिटिटर्स है, लेकिन हम लोग का यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे से थोड़ा कम है, तो इसलिए हम लोग के लिए कस्टमर के लिए एक्चुअली सुविधा है। तो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का 0.8% से शुरू होता है। 0.8% से शुरू होता है, मतलब 80 पैसा, 100 रुपया में 80 पैसा महीना का, ठीक है। तो मेरा तो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए श्रीराम फाइनेंस मेनली जो करता है वो व्हीकल फाइनेंस करता है, व्हीकल फाइनेंस। एक आम आदमी जी, जिन्होंने कोई श्रीराम से कोई आपका लिंक नहीं है, कोई ऐसा कुछ संबंध नहीं है जी, वो आपके पास आया गोल्ड लेके, भैया हमको फाइनेंस चाहिए, 100% हो जाएगा, हो जाएगा 100% हो जाएगा। अभी गोल्ड जो लेके आए वो आए, मान लीजिए वो गोल्ड लेके आए यहाँ पे, तो ये कैसे वो प्रोसेस क्या, मान लीजिए वो गोल्ड लेके आए तो कौन उसको चेक करता है, कितना क्या होगा? गोल्ड लोन के लिए चेकिंग होगा उनका, सामने में हम लोग का वैल्यूअर रहता है, वो कस्टमर आएंगे गोल्ड लेके, गोल्ड यहाँ पे बैठेंगे, उसका उनके सामने में गोल्ड निकाला जाएगा उनका पास से, कौन सा क्या है वो वेइंग मशीन में वो वेट होगा उनका सामने में, कुछ भी डिडक्शन रहेगा उनसे पूछा जाएगा, उसका बाद में हम लोग का वैल्यूअर रहेगा उन्हीं कस्टमर का सामने में, वो गोल्ड वैल्यूएशन होगा, वैल्यूएशन होने का बाद में आखिर उनका गोल्ड लोन का अमाउंट फिक्स हो गया, तो उसका बाद में उनका सामने में सील पैक होगा, सील पैक होके वो चब में जाएगा, ठीक है जी। तो मान लीजिए उसका वैल्यू निकला है 1 लाख रुपया जी, गोल्ड का वैल्यू 1 लाख रुपया उसका निकला है, वैल्यू के ऊपर आप कितना फाइनेंस करेंगे? मतलब हम लोग 75% तक फंडिंग करते हैं, यानी कि 1 लाख अगर वैल्यू होता है तो आपको 75,000 आपको मिलेगा। तो टेन्योर कितना है, मतलब कितना समय तक वो, मतलब EMI मान लीजिए 3 महीने 6 महीने कितना साल? जी जी, हम लोग का स्कीम है दूसरा किस्म का स्कीम है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है, एक है EMI स्कीम, एक है नॉन EMI स्कीम। नॉन EMI स्कीम में आपको खाली इंटरेस्ट पे करना है, बाकी का प्रिंसिपल आपको सेटलमेंट का टाइम में देना है। दूसरा स्कीम है EMI स्कीम, आपको मान लीजिए 1 लाख का आपने लिया है, उसको आप EMI में कन्वर्ट कर सकेंगे, 1 साल बाद आपका EMI खत्म हो गया, उसका बाद आप गोल्ड लेके चले जाएंगे, ऐसा स्कीम है। तो कितना तक आप फंडिंग करता है, मान लीजिए मैं आपका वो जो वैल्यू लाया 10 लाख का मैं सोना लेके आया जी, तो आपका 75% उसका फंडिंग करेंगे? हाँ, 100% कुछ लिमिट है, 100% 75% फंडिंग उसमें हो जाएगा। तो ये काफ़ी खास बात देखिए, अभी मैं जो बोल रहा हूँ, देखिए आप व्हीकल आप फाइनेंस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मान लीजिए आपके घर में सोना पड़ा हुआ है, अनयूज्ड है, यानी यूज नहीं हो रहा है, तो आपका जो बच्चा हो गया जो भी है खर्चा करने के लिए, मान लीजिए उसको एडमिशन देना है दूसरा जगह में, कुछ बड़ा एडमिशन आपको चाहिए कुछ समय के लिए 1 लाख रुपया या 50,000 रुपया, तो सोना लेके यहाँ पे वो फंडिंग करा सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। हाँ। तो वो तो EMI हो जाएगा, 3 महीने 6 महीने के लिए लीजिए शॉर्ट टर्म के लिए, उसका बता वो आप गोल आप यहाँ से लेके जा सकते हैं, ठीक है, पैसा तो आप रिटर्न करना ही है, वो तो है ही, किस्ती देने के बाद जब अगर हो जाएगा तो आपको ये रिटर्न हो जाएगा। गोल क्या यहाँ पे सेफ रहेगा? 100% सेफ है, ऑलरेडी हम लोग ने गोल्ड लोन इसमें 14th of September को ये शुरू किया है, हम लोग ने एकदम बिल्कुल नया है, और हम लोग का अराउंड अभी आज तक 14 तारीख से अभी तक हम लोग का 26 लाख का गोल्ड लोन ऑलरेडी डिस्बर्स हो गया है, यानी कि 26 लाख गोल्ड लोन आपका हो गया। तो सर जी एक मेरा क्वेश्चन है, देखिए जी गोल्ड लेके आए
कस्टमर यहाँ पे पहुँच गए जी, तो कितना समय लगता है आपको जो प्रोसेस, माने गोल्ड रखा, वैल्यूएशन किया, वैल्यू निकाला जी, कितना समय लगता है उसको पैसा मिलने में? हम लोग का गोल्ड लेने ले आने के बाद 15 मिनट टू 20 मिनट्स मैक्स। यानी आप मान के चलिए विदिन 20 मिनट आपको पैसा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मिल जाएगा, सही बोला, मिल जाएगा 100% यहाँ पे। 30 मिनट मान के चलिए, हाँ जी ठीक है, 30 मिनट मान के चलिए, आप सोना लेके यहाँ पे आइए, वैल्यूएशन करेंगे, हाथों हाथ आपको पैसा मिल जाएगा। मिल जाएगा, ऐसा सुविधा कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। और हम लोग का यहाँ पे कैश पेमेंट भी किया जाता है, कैश डिसबर्समेंट, डिसबर्समेंट हम लोग का प्लस पॉइंट है, ये कैश पेमेंट किया। यानी कि आप चेक भी देते हैं, कैश भी देते हैं? हाँ, चेक नहीं, एक्चुअली चेक हम लोग नहीं करते हैं, नहीं करते वो NEFT वगैरह करने हैं, RTGS वगैरह करते हैं। यानी कि आप ऑनलाइन उनका अकाउंट में घुसाते हैं, ऑनलाइन में आपका अकाउंट अगर है तो वहाँ पे घुस जाएगा। हाँ, यानी कि आप कैश यहाँ पे आप ले सकते हैं। कस्टमर 2 लाख का गोल्ड आखिर होता है तो 2 लाख रुपया हम लोग कैश दे पाएंगे कस्टमर को, उसका ऊपर में आखिर होता है तो हम लोग को RTGS या NEFT करना पड़ता है। आखिर कस्टमर बोल रहे हैं कि मेरे को 2 लाख रुपया यहाँ पे ले जाने के लिए मुश्किल है, लेकिन मेरा अकाउंट में, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरा अकाउंट में पैसा चाहिए, मैं तुरंत IMPS करके 5 मिनट में उनका अकाउंट में पैसा डाल दूंगा। कस्टमर यहाँ में देखेगा मैसेज आ गया बैंक से और वो चला जाएंगे। ठीक जी जी, कुछ नॉर्थ ईस्ट आसाम में कुछ ऐसा कुछ है क्या, यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं, हम लोग का सीरम में जितना भी ब्रांचेस है, अभी लोअर आसाम में हम लोग का मोटा मोटी 14 ब्रांचेस है, हर ब्रांच में होगा, अपर आसाम में भी मोटा मोटी 16 ब्रांच है, उसमें भी होगा। तो एक यूनिक कॉन्सेप्ट लाया श्रीराम फाइनेंस ने, आप लोग देखिए, देखिए आपका घर में अगर सोना है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, सीरियसली सीरियसली आपका ये जो कॉन्सेप्ट है, जो स्कीम है, और आगे जाए, शुभकामनाएं आपके साथ जी। थैंक यू, थैंक यू।